जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि Z जो है इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट अल्फाबेट है और A वापस से लूप में आ जाता है उसी तरीके से जब हमारे शरीर में किडनी डैमेज होता है और हम सब लोग जानते हैं कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए और कितने डैमेज से सर्वाइवल कितना ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है ये हम सब लोग जानते हैं लेकिन अब अगर हमें टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा किसी स्पेशलिस्ट से तो हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपने लाउड वंस के साथ विदाउट एनी कॉन्सिकेंसेस नमस्ते गुड मॉर्निंग दिस इज फाइका जावेद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगी जेड टॉक की आज की सीरीज पे जेडटॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो हम सब लोगों को अवेयर करने के लिए जो हम सब लोगों को एजुकेट करने के लिए क्रिएट किया गया है कि हम सब लोग अपनी किडनीज को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और कैसे एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो यहाँ जेडटॉक पे हमें ये बताया जाता है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए और अगर ये ऑलरेडी डेमेज है या फिर है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं सो टू एजुकेट अस आज हमारे साथ जेड टॉक पे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है जो कि वर्ल्ड की नेफ्रोलॉजिस्ट है वेलकम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट वालेकुम असल डॉक्टर मैं ठीक और uh, डॉक्टर वैसे आज तो हम किडनी हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन मेरा ये मानना है मैं जितना जानती हूँ किडनी हेल्थ के बारे में मुझे ये लगता है कि एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए आई थिंक वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज चलते चलते बात हो जाए हाँ बिल्कुल अच्छा है देखिये डॉक्टर बिफोर वी बिगिन आर टॉक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी चूकी आप अपने लिए क्या करते हैं अपनी किडनी हेल्थ हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं क्योंकि आप अपनी पेशेंट्स के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं देख करने को तो कुछ तो नहीं रहा बस अगर आप अपना डाइट ठीक रखें डेली तो एक्सरसाइज करें मेडिसिन खाने पीने में बहुत एहतियात रखें और स्पेशलिस्ट से बात करके ही खाएं आम लोगों के लिए है और ये तो बहुत जरूरी है अगर किसी को कोई तकलीफ है उसमें डॉक्टर की एडवाइस पर ही चले इसी से तो किडनी के फायदे बन सकते हैं किडनी बढ़ सकती है जैसे कि आपने अभी बोला कि वॉकिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है किडनीज के लिए और हम सब लोग जानते हैं कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में किडनी का कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किडनी हेल्थ और क्या कॉमन सिम्टम्स है किडनी डिजीजेस के देखिए ऊपर वाले जो ये दो मुट्ठी बराबर हमें दिए हैं किडनी इनका काम जिस समय बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ। जैसे हमें हार्ट और ब्रेन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए ऐसे किडनीज भी ज़रूरत है किडनीज का काम है जो भी हम हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बाहर निकालना था यूरिन किडनीज का काम को cool. एक तो ये हो गया दूसरा जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे जो वेट है उसका सेवेंटी परसेंट इस तो वो पानी की बैलेंस रहती है हमारे जिसमें चाहे हम कितना पानी पी कम पी ज्यादा पी, लेकिन बैलेंस रहते हैं तो भी सारे सिस्टम चलते हैं Pink. वो बैलेंस रखने के लिए किडनीज बहुत ज़रूरी है किडनीज में कुछ खराबी हो तो बैलेंस हो जाती है थर्ड इज हमारा जो जिसम है उसमें तो हीमोग्लोबिन की जरूरत है या, मतलब आर की जरूरत जो ऑक्सीजन ले जाती हैं सारे जिसम के आंगों का तो वो आर बनने के लिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए एक हार्मोन बहुत जरूरी है जिसको इथ्रोपोटिन बोलते हैं वो निकलता है हमारी किडनी से थर्ड है कैलशियम हमारे जिसम में बहुत जरूरी है बहुत सारे उसके फंक्शन हैं एक्टिविटीज़ हैं मसल्स में लेकिन बोन्स में भी तो वो कैल्शियम जो ज़रूरत है वो बनने के लिए अब्जॉर्ब होने के लिए उसके लिए एक एक्टिव मेटाबोलाइट ज़रूर निकलती है किडनी से जिसको हम 125 टवेंटी फाइव बोलते हैं वो, वो ज़रूरी है अगर किडनीज में डैमेज होता है तो इन सारे सिस्टम्स पे असर पड़ता है।, तो है तो उसके लिए भी ज़रूरी है वी हैव जो भी ब्लड प्रेशर है okay. एक तो ये होता है हमारा जो ब्लड चलता है जो नसों में चलता है जो ज़रूरी है उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर की जरूरत है कि सर जाए okay. वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता वो है वो कंट्रोल करने के लिए भी किडनी से हॉमूज निकलते हैं वो बहुत ज़रूरी है अगर वो किडनीज में मान लीजिए कोई भी डैमेज हो उससे तो एक तो वो एम्पर होता है ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है okay. तो मीन एक तो ये मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर भी True. वो दूसरा जो वहाँ ब्लड चलता है वो आर वो भी किडनी से कारण वो नॉर्मल रहते हैं okay. वो तो ये इनके मेन तो यही है इसके और जो बैलेंस होती है जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे सोडियम पोटाशियम बाकी मिनरल्स की वो बैलेंस रहती है किडनीज की वजह से ही अगर किडनी फेलियर हो जाता है वो मटेरियल जो है वो जमा हो जाते हैं हमारे जा जिसम में किसी लेवल तक वो नॉर्मल है अगर बियॉन्ड दैट लेवल हो गए वो टॉक्सिटी करते हैं इवन कैल्शियम भी जो है वो नॉर्मल लेवल है या मैग्नीशियम बाकी आयरन वगैरह जो भी है अगर वो बियॉन्ड नॉर्मल लेवल हो जाते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं अदरवाइज भी जो टॉक्सिक मटेरियल किडनी से निकलते हैं लॉन्ग फंक्शन में अगर किडनी डैमेज होता है, हो है तो वो बिल्डअप हो जाते हैं तो फिर उनके कारण हमारे जिसमें सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो तो बाकी ऑर्गन हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर कितनी कॉमन होती है किडनी प्रॉब्लम्स तो किडनी डिजीज तो बहुत कॉमन है मैं कहता हूँ ग्लोबली देखा गया है क्योंकि हम तो ज़्यादा इस किडनी डिजीज़ में तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे okay. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो होता है जिसमें किडनी में डैमेज हुआ है और परमानेंट डैमेज हुआ है एटलीस्ट फॉर लास्ट थ्री मंथ्स वो डैमेज चल रहा है वो, वो रिवर्सबल नहीं है तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा बड़न किडनी डिजीज में इसी का है हम इसी की ज़्यादा बात कर रहे हैं ये बहुत कॉमन है में देखा गया है कि अबाउट अलेवन टू थर्टीन परसेंट ऑफ दीपल किडनी डिजीज हमारे देश में भी देखें तो कम अज कम ग्यारह फीसदी लोग तो एवरेज में इससे चिन्हित हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे पेशेंट्स किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं तो कॉमन काज क्या है कि किडनी डिजीजेस के क्या कॉजेज है कॉमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है. देखिए किडनी डिजीज में जो कॉमनस mm, कॉज है वो आजकल डायबिटीज है।, है. है और आपको शायद ये पता ही होगा जो हमारा देश है इसको बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल इतने ज्यादा लोग डायबिटीज से इन्वॉल्व है तो इसमें फिफ्टी मोर देन फिफ्टी ऑफ जो कॉज है इसके किडनी डिजीज वो डायबिटीज़ है सेकंड कॉमन कॉज इज हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है वो दूसरा कॉमन कॉज है अगर हम इन दो को मिलाए क्रॉनिक किडनी डिजीज थे मोर देन सेवेंटी पेशेंट्स आर कॉन्स्ट्राई को तो बाक़ी जो कम कार्य इनके हिसाब से कम मेदार की होती है उनमें होती हैं जैसे किसी को जन्म से ही वो सिस्टिक किडनीज होती हैं जिनको मेडीपी की होते हैं या किसी को दोनों साइड से स्टोन है वो ब्लॉक कर रही है किडनी फाइन यूरिन फ्लो को बस्टो यूरोपैथी या एक और कॉमन कॉज है जो पहले बहुत ज़्यादा प्रवेल था वो पीछे चला गया है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से उसको बोलते हैं जिसमें किडनीज में सूजन हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोनो mm. वो एक या कभी वो ल्यूपस वगैरह नेपटाइट्स होते हैं उनसे लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा हो, हमारा होना चाहिए कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पे क्योंकि ये कॉन्स्ट्यूट करते हैं More than 75 of chronic kidney disease patients. हाँ जो के बारे में बोल रहे थे क्या काजेज हैं hmm. उनमें एक हाँ जो के बारे में बोल रहे थे क्या काजेज हैं hmm. उनमें एक कॉमन काज जो आजकल बन गया वो सेल्फ मेडिकेशन है जी. जो लोग आजकल खुद ही मेडिकेशन ले रहे हैं, खासकर ये पेन किलर्स एंड अदर मेडिकेशन hmm. वो एक बहुत कॉमन काज बन गया जी. इसको भी हमने कर्व करना पड़ेगा <laughs> तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमारी हालांकि उनकी होती है, उनकी वो इन्फेक्टेड होते हैं तो, तो कौन से ऐसे जिनसे उन पेशेंट्स को पता चले क्योंकि अच्छा कि कि hey. एक तो बहुत ज्यादा कॉमन है क्रॉनिक किडनी डिजीज दूसरा इसमें ये है सरप्राइज hey. बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि मेरी है मैं बताऊँ जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो किडनी फेलियर में हो जाते हैं वो सिम्टम कुछ ऐसे हैं जो आदमी मोस्ट ऑफ़ द टाइम नेगलेक्ट करता है जैसे पेशेंट को लगता है उसकी भूख कम हुई है उसको थकावट आ रही है पहले वो पाँच किलोमीटर चलता पता ही नहीं चलता अब तो दो किलोमीटर बाद ही उसको थकावट लग रही है या उसको लग रहा है वो सुबह वो पेशाब करता था मान लीजिए दो ढाई लीटर वो उसको लग रहा है पेशाब की कंटेंट जो क्वांटिटी है वो कम हुई है hmm. तो थी वो वही फिलूर ले रहा है जो पहले ले रहा था hmm. या ये ले रहा था कि उसको पेशाब जितनी बार आता था वो अगर तीन बार चार बार करता या तो कम बार आता है या तो ज़्यादा बार आता है पहले रात को नहीं उठता था अब उठने लगता लगा है उसको यूरिन में जब वो कमोड़ में जाता है उसको लगता है वहाँ से जवासा उठ रहा है ये कुछ हो सकते हैं सिम्टम रिलेटेड विध किडनी डिजीज़ इट इज़ नॉट डेफिनेट लेकिन ये सिम्टम हो सकते हैं थर्ड होता है कि अगर उसको लगे कि पहले तो मामूली चोट से उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं ये भी एक कारण हो सकता है किडनी डिजीज़ की वजह से लेटर ऑन जब ये हो जाए आप उसको घर वाले बोलते हैं आपके माथे पे सुबह उठते ही सूजन हुई है।, है तो वो नोटिस करना चाहे उसको पहले अगर ये हो गया डॉक्टर आईसी चेक कराया ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर नोट हो गया पहले कभी नहीं था ये हो सकता है ये किडनी डिजीज की वजह से हुआ है इसलिए ये ये हो सकता है किडनी डिजीज के कुछ सिम्टम जहाँ साइंस जो हो सकते हैं ये देखने पड़ते हैं

उससे पहले बहुत सारे पेशेंट को किडनी डिजीज़ में हार्ट की वजह से मर हार्ट डिजीज की वजह से मरते हैं मोरदेन ट्वेंटी परसेंट जो है उनको वो हो जाती है तब तक तो so, ये बहुत जरूरी है कि किडनीज को प्रोटेक्ट करें उससे हम हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं hmm. क्योंकि जो और ये दूसरा इंटर इनमें है जो कारण हार्ट की वजह तकलीफ़ की वजह से वो किडनी फेलियर की वजह जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया किडनीज इफ़ेक्ट हो गई मैंने कहा सेकंड कॉमन काज तो वो हाई ब्लड प्रेशर है जब वो तो हार्ट पे भी असर करता है और किडनीज पे भी और जब किडनीज डैमेज हो गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तो उससे तो क्या इनडली हार्ट पे भी असर पड़ गया जो भी टॉक्सिक मटीरियल जमा हो जाते हैं वो हार्ट पे भी असर पड़ते हैं फिर इसका डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कैसे हमारी किडनी हेल्थ को इफेक्ट करता है एक्चुअली जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो किडनीज के अंदर नसें होती हैं छोटी-छोटी नसेल्स होती हैं तो उन पे डैमेज हो जाते हैं जब उन पे डैमेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो उनकी किडनीज का काम है फिल्टर करना ब्लड को वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना उनकी वो कैपेसिटी कम हो जाती है जब जा वो कैपेसिटी कम हो गई जो ये टॉक्सिक मटेरियल है वो बढ़ने लगे मतलब किडनी फंक्शन कम हो रही है ये दिस इज हाउ इट इफेक्ट्स किडनी तो आपसे जानना चाहेंगे अदर देन किडनी प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी डिजीजेस होती है जिनको क्योर करने के लिए वो बहुत सारे टाइप्स के मेडिसिन लेते हैं yeah. तो आपसे जानना चाहेंगे जो वो ड्रग्स उनमें प्रेजेंट होते हैं क्या वो किडनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं देखिए मैं आपको बताऊं जो भी तकरीबन सारी मेडिसन हैं yeah. तकरीबन तकरीबन सारी वो किडनी के थ्रू ही जारी जाती हैं बाहर तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स हैव सम इफेक्ट ऑन किडनीज हम ये कि कुछ पेशेंट को ब्लड प्रेशर है हार्ट की तकलीफ है जोड़ी की तकलीफ है उसको मेडिकेशन डॉक्टर साहब ने लिखी है cool. लेकिन ये बंद तो नहीं कर सकते लेकिन अगर ये अपने डॉक्टर साहब से बात करें hmm. किडनी फंक्शन पे ध्यान दें कि वो देखें कितनी है हम देखते हैं किडनी कितना काम करती है उस फंक्शन के हिसाब से वो जो मेडिकेशन उनको देते हैं उसकी डोजेज और उसकी ये कितनी मकदार देनी है वो कितने टाइम बाद देनी है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं हमने देखा अगर किसी को मान लीजिए आर्थाइट्स है डॉक्टर साहब ने मेडिकेशन दी है किसी टाइम के लिए जरूरी है उस टाइम का लेकिन फिर लोग खुद ही डोज भी बढ़ाते हैं ड्यूरेशन भी बढ़ाते हैं तो इन वजह से किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो ये अवॉइड करना चाहिए इवन मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर की दवायाँ भी हैं डायबिटीज़ की दवाएं हैं वो भी अगर डॉक्टर साहब से बात करें हो सकता है कुछ ऐसी मेडिकेशन है ब्लड प्रेशर की hmm. जो किडनी को प्रोटेक्टिव भी है hmm. और दूसरे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है ऐसे डायबिटीज़ की कुछ दवाएँ आई हैं जो कि एक तो किडनीज को भी बचाव करती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है अगर डॉक्टर साहब से बात होगी स्पेशलिस्ट से बात होगी उससे दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा इसका मतलब ये है कि हमें जो स्पेशलिस्ट है उससे बात करके ही दवाई उसी हिसाब से खानी है जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है आपने बहुत ज़्यादा अच्छी दे दी के लिए, लेकिन आपसे सवाल पूछना तो जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या सिम्टम है किडनी फेलियर की जिसको भी वो सिम्टम हो जाए खास कर हाई ग्रुप को, तो, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में बोल दूंगा इसके बाद हाई रिस्क ग्रुप वो होते हैं जिनके जिनको ज्यादा चांसेस होते हैं किडनी फेलियर होने के फे जिन में होता है जैसे किसी के घर में किसी और को किडनी की तकलीफ है या किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है फे फे किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है आ, या कोई और लॉन्ग टर्म से कोई मेडिकेशन खा रहा रहाइड के लिए हार्ट फेलियर के लिए वो हाई रिस्क ग्रुप बन जाता है उनको ज्यादा जरूरी है इसके लिए टेस्ट करना जब उनको ये सिम्टम हो जाए उनको टेस्ट करना चाहिए अब टेस्ट ज्यादा क्योंकि तो है नहीं एक बेसिक टेस्ट जो है वो यूरिन टेस्ट है सिंपल यूरिन टेस्ट हमें बहुत सारी जानकारी देती है कि किडनी कितनी इन्वॉल्व है है इन्वॉल्व नहीं है दूसरा टेस्ट होता है ये किडनी फंक्शन के लिए जी एफ आर निकालने के लिए कि मतलब किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी कितनी है उसमें हम करते हैं इसको आम भाषा में बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट उसमें यूरिया क्रिएटिनिन जो दो टेस्ट है उसी से हम निकालते हैं कि किडनी कितना काम करती है कि कितना डैमेज हुआ कितने है कितनी फीसदी भी बची है कितना हमें फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है क्या करना है ये बहुत जरूरी है टेस्ट और थर्ड फिर हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड एक उसमें पता चलता है जब हमें कि कहीं सिस्ट तो नहीं है स्टोन्स तो नहीं है या जब आदमी ऑलरेडी वो चला जाता है कि उस उस तक, में उस वक्त तक मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में किडनीज़ छोटी हो जाती हैं कंट्रैक्ट हो जाती हैं तो ये ये बेसिक टेस्ट मतलब इसका मतलब यह है कि कोई ज़्यादा जो बड़े टेस्ट नहीं है हाँ यूरिन ये ब्लड टेस्ट में एक हीमोग्लोबिन भी हम देखेंगे कितना सीबीसी जिसको बोलते हैं वैसे भी हमें लगा हीमोग्लोबिन कम है वो इसका कारण हो सकता है किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है कैल्शियम कम हो जाता है फॉसफोरस बढ़ता है या इलेक्ट्रोलाइट्स में बैलेंस जो बैलेंस मैंने कहा वो किडनी वजह से वो बनती है वो डरेज हो सकती है ये टेस्ट मामूली टेस्ट है ज़्यादा पैसे तो इनमें नहीं लगते हैं लेकिन जानकारी बहुत मिलती है तो और जब ये पता चले हो सकता है उस टाइम तक पेशेंट को अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज है वी कैन डिले और हार्ट इज प्रोग्रेशन टू तो द नेक्स्ट वर्स डिजीज स्टेज ऑफ किडनी डिजीज डॉक्टर साहब आप कैसे करते हो कि पेशेंट को डायलिसिस चाहिए या फिर ट्रांसप्लांट देखिए ये दोनों जो आपने बोले मॉडल टीज ये तब जरूरत पड़ती है जब किडनी फेलियर या किडनी काम करना ये उसका डेमेज इतना हुआ है कि खाली 10 से 15 फीसदी अब काम बच गया है दस फीसदी काम बचता है तो किडनी उस वक्त अपनी बॉडी को सस्टेन नहीं कर पाएगी yeah. तो आदमी को कुछ तो देना है वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालने के लिए उसमें दो मॉडल्टीज है या तो डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है okay. लेकिन बेस्ट मॉडल्टी हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट रहती है okay. सेकेंड इज देन जहाँ नहीं बने ट्रांसप्लांट तो भी हम डायलिसिस के लिए जाते हैं ट्रांसप्लांट में तो आप दो है या तो ये लाइव रिलेटेड हो कोई अपना आ, नेशन में कोई ऐसा हो जो कि किडनी डोनेट करना चाहता हो उसके लिए तो हम तो किडनी पहले उसको जो डोनर होता है उसकी भी टेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी एक ही किडनी पे अपनी ज़िंदगी सस्टेन करे और ये मैं बताऊँ एक किडनी पे आदमी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है क्योंकि ऐसे भी पंडित ऐसे भाई पैदा होते हैं जिनको खाली एक ही किडनी होती है एंड देव ए नॉर्मल लाइफ तो मतलब डोनेट कर रहे मैं ये तो ये कोई खा ये नहीं है वो आदमी डोनेट कर सकता है लेकिन उसके लिए पहले टेस्ट करते हैं डोनर फिट है कि नहीं ये है बेस्ट ट्रीटमेंट सेकेंड बेस्ट इज देन डायलिसिस डायलिसिस में तो ये उनको देते हैं जिनको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ना हो तो या जब तक ट्रांसप्लांट हो जाए जब तक उनकी टेस्ट हो जाए जब इनकी किडनी फंक्शन मतलब दस फीसदी खाली बच गई है तो तब तक इस पेशेंट को हम डायलिसिस पे रखते हैं ताकि वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो तो हम डायलिसिस के थ्रू बाहर निकालें और इस वजह से वो नॉर्मल वो खाता पीता भी रहे उसकी बॉडी ठीक रहे बाकी जो अंग हैं वो ठीक रहे जब भी ये किडनी ट्रांसलेट डायलिसिस तो ये दो तरह से होती है एक तो होती है शीमो डायलिसिस तो जिसमें बंदा जाता है डायलिसिस सेंटर पे वहाँ उसके हफ्ते में तीन बार जाता है तो साढ़े तीन चार घंटे वहाँ रहते है, ये हैं ये टॉक्सिन में निकालते हैं बाहर या ये तीन हफ्ते में तीन बार मिनिमम या दूसरा होता है घर पर ही डायलिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं होम डायलिसिस या सी ए पी डी एम्बुलटरी डायलिसिस वो घर पर करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि हेल्दी डाइट जो है हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी फूड आइटम और डाइट जो हमारी किडनी हेल्थ के लिए हार्मफुल है और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारी किडनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है देखिए पहले हमने बता दिया कि कारण क्या है किडनी फेलियर डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये मेन दो कॉमन काजेज़ हैं अब इनके लिए इनके कॉमन रूट काज क्या है अगर कोई ओबेस हो तो उसको ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ होने के भी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी हार्ट डिजीज़ होने के भी तो इसका मतलब है हमें डाइट भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा हमें जितना हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ उतना अच्छा है hmm. जितना हम फैटी डाइट अवॉइड करें उतना किडनीज के लिए बेहतर है जितना हम सॉल्ट कंटेंट कम करें उतना अच्छा है सॉल्ट कंटेंट के लिए मैं यहाँ बोलूंगा क्योंकि वी आर इन कश्मीर फ्रॉम कश्मीर हमारी आदत है चाय है ना वो नमक वाली चाय पीने की और जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्वेंट होती है इसीलिए ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है अगर हम वो कम करें अगर चार प्याली पीते और वो भी आए एक प्याली तो नहीं पीते तीन चार कप पीते वो कम करे सॉल्ट कम करे तो वो बो, बहुत ज़रूरी है फैटी डाइट कम करें वाजवान ठीक है ओके बट इट शुड नॉट बी अ रूटीन डेली खाए जंक फूड अवॉइड करें या वी शुड अवॉइड दैट सेकंड वेजिटेबल ज़्यादा खाएं फ्रूट्स खाएं फल जितना खाएं उतना अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितना खाएं उतना किडनीज के लिए बेहतर है उतना हार्ट के लिए बेहतर है उतना हर सिस्टम के लिए बेहतर है और दूसरा हमारी किडनीज के लिए जरूरी है कि पानी लिए hmm. पानी बहुत अच्छी तरह से वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कम से कम आठ से दस गिलास तो लेनी ही चाहिए इट डिपेंड्स अपॉन कि आदमी कौन कैसा काम करता है कोई सड़क पे करता है मजदूर धूप में उसके लिए तो ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत है hmm. अगर आप घर पे बैठे सोफे पे तो उसके आपको थोड़ा सा उनसे कम ले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही बंद करें हम कश्मीर में यहाँ देखते हैं टेम्परेचर कम है तो हम कम पिए लेकिन ओवरऑल देखा गया हम पानी बहुत कम पीते हैं पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए वो ज़्यादा मैंने देखा है बाहर जब हम किसी के घर जाते हैं पहले पानी का गिलास लाते हैं गिलास ऑफ वाटर mm. यहाँ तो वो बात ही नहीं है मुझे लगता है हमें भी वो कहीं रखना चाहिए वो आदत क्योंकि हमने देखा यहाँ कश्मीरी लोग पानी बहुत कम पीते हैं इसीलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डिहाइड्रेशन लगते है जितना किडनी में पानी कम पहुँचेगा उतना वो फ्लशिंग कम होगी उतना अगर किसी को ऑलरेडी किडनी डैमेज थोड़ा सा है वो वर्सन हो जाए सब आपसे जानना चाहेंगे जो भी पेशेंट्स है ये आपके पास टाइम पर आते हैं या फिर इनके टाइम पर पहुंचने में डिले होता है जिस वजह से कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी होती है उनके लिए देखिए मैं बताओ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके पास ऑलरेडी किडनी डैमेज हुआ होता है अगर ये इनिशियल पीरियड में आ जाए जब इनकी किडनी में थोड़ा सा डैमेज हुआ है तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा या तो ये इनका वो डैमेज कई बार हम थोड़ा रिवर्स भी कर पाते हैं अगर रिवर्स नहीं कर पाए तो वो ज़्यादा स्टेज में ना पहुँचेगा नहीं तो हो सकता है कभी वो end disease तक ना पहुँचे अगर ये टाउन पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन पेशेंट्स को जितना जल्दी के पास आ जाए, उतना इनको फायदा होगा वो बी ट्रीटेड प्रॉपरली सब लास्ट पर आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे वीवर्स के लिए कि क्यों और कैसे उनको अपनी किडनी हेल्थ कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेरी मैसेज ये रहेगी वो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चेंज करे हम आजकल कर ज़्यादा वो बैठे रहते हैं दे शुड हुए डेली वॉक दूसरा डाइट में वो फ्लूड कंटेंट बढ़ा दें वाटर इंटेक जो है वो कम से कम आठ दस गिलास तो पिए डिपेंड्स oh. कि कौन सा क्या काम करते हैं धूप में ज्यादा काम करते हैं तो बढ़ाएं घर oh. पे अंदर बैठे हैं तो कम से कम आठ से दस गिलास तो पी लें पानी डेढ़ दो लीटर यूरिन आउटपुट होना चाहिए तीसरा oh. जो डाइट में है यू हैव टू डिक्रीज द सॉल्ट कंटेंट नमक कम करे जो ये फैटी डाइट है वो अवॉइड करें क्योंकि जिन ही कारण होता है डायबिटीज़ होने का भी और डायबिटीज इज़ कॉमनस्ट कॉज ऑफ़ ये किडनी डिजीज़ तो शुगर कंटेंट भी कम करें और अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है डायबिटीज़ को जो ब्लड शुगर है वो मेटिकुलसली कंट्रोल रह में रहना चाहिए जो भी डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है वो दवाई पूरी तरह खाए जैसे परहेज बोला वैसे करें और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल करें दवाई रखी है डॉक्टर साहब ने आजकल का ऐसी दवाएं आई हैं जैसे मैंने पहले ही कहा जो प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और किडनीज़ को भी प्रोटेक्शन देती है तो वो दवाएं खाएं जो उनमें वो बोले कि पानी वानी कितना पीना चाहिए उसका ध्यान रखें वो टाइम पे खाएं बहुत सारे हमने देखे पेशेंट्स वो बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था फिर मैंने बंद की देन दे कम बैक उनका प्रेशर ऑलरेडी आया कि बीच में ये कभी नहीं था अगर इस ब्लड प्रेशर दवाई की आदत हो गई वो आदत अच्छी है कि मेन कारण होना चाहिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर ली को भी आ, और जो भी अगर किसी को कुछ दवाई चल रही है चाहे से बात करें वो दवाई उसी हिसाब से खाए उतनी मेकदार में ही खाए उतनी देर तक ही खाए थर्ड अगर किसी को जो मैंने पहले वो कहे जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको वो सिम्टम हो गए जो किडनी फेलियर की तरफ पॉइंट करते हैं जैसे उसको यूरिन का ये ना आउटपुट में या क्वांटिटी में कोई फ़र्क आ गया जाग आ गया यूरिन में या उसको ब्लड आ गया यूरिन में या उसको अल्ट्रासाउंड पे लगा कि किडनीज़ में कुछ है स्टोनस है कुछ है। उसको इमिजिएटली किडनी फंक्शन टेस्ट करने चाहिए जिसमें यूरिन टेस्ट और वो यूरिया क्रिएटन सिंपल ब्लड टेस्ट है और हीमोग्लोबिन देखना चाहिए उससे पता चलेगा कहीं किडनी फेलियर तो नहीं हुआ प्राइमली पहुँच जाएंगे तो किडनी आगे डैमेज होने से बच सकती है ये सो मच डॉक्टर मोहम्मद अशरफ बट के आप हमारे की सीरीज का पार्ट बने हैं आई होप सो कि हमारे जितने भी जेटॉक के वीवर्स हैं उनके लिए आपके जितने भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है और वो जल्द ही अपनी किडनीज की जो भी डिजीज है या जो भी डैमेज है वो वो डिटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो इंडियन मेडिकल फेटर्निटी के साथ मिलकर काम करते हैं हम सब लोगों का ये मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें कि कैसे हम अपनी किडनीज हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं थैंक यू सो मच विवाच जेट टॉक के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे शेयर करें सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेजेस पे जल्द ही मिलेंगे अगले नए स्पेशलिस्ट के साथ अब तक के लिए दीजिए इजाजत थैंक यू